पवित्र रोसरी बिंदी योग्य रीति से और प्रेम से करने वालों के लिए मां मरियम 15 वादाएं की हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में उसके बारे में वो जो सूची है उसकी व्याख्या भी करके हम वीडियो बनाए हैं, आप जरूर उनको देखिए। इनके अतिरिक्त हम इस महीने में और भी मनन किए हैं, इनके साथ साथ और भी कुछ फायदे या कारण संत लुईस दे मॉन्टफोर्ट हमें दे रहे हैं, जिसके लिए हमें वास्तव में पवित्र रोसरी बिंदी करने की जरूरत है, और बहुत ही विशेष कारण भी बताते हैं। आज हम कुछ 7 कारणों को देखेंगे, ये इस प्रकार है। सबसे प्रथम, ये धीरे धीरे हमें प्रभु येसु की पूरी जानकारी देती है पवित्र रोसरी बिंदी, इसके बारे में हम आखिरी में गहरे रूप से और भी मनन करेंगे। दूसरा है, ये हमारी आत्मा को शुद्ध करती है पवित्र रोसरी बिंदी, और हमारे पापों को धोती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेल मिलाप संस्कार या पापस्कार संस्कार में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं। इसका मतलब यह है कि हम जितना प्रभु येसु के जीवन पर मनन चिंतन करते हुए हम रोजरी बिंदी कर रहे हैं, हम पवित्रता में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम ईश्वरीय कृपा में, ईश्वरीय उपस्थिति में, ईश्वरीय वचन से भरते जाते हैं, तो अंधकार, पाप, मृत्यु हमारे जीवन से दूर होता जाता है। तीसरा कारण है, पवित्र रोजरी बिंदी हमारे सभी विरोधियों से हमें जीत दिलाती है। विरोधी, हम दुनियाई विरोधियों के बारे में केवल नहीं कर रहे हैं, ये वास्तव में शैतान या प्रलोभन हमारे जीवन में जो है उनसे छुटकारा पाने के लिए एक उत्तम एक उपाय है, एक हथियार है पवित्र रोजरी बिंदी। चौथा है, ये हमें क्रिस्तीय जीवन के सद्गुणों को, जैसे प्रभु येसु हमें सिखाए हैं, उनका पालन करने में पवित्र रोजरी बिंदी हमारी सहायता करती है। क्योंकि हम इन भेदों में हम देख रहे हैं कि प्रभु येसु इन सद्गुणों को कैसे जिए, जो शिक्षा वे हमें दिए उसको अपने जीवन में कैसे वे पालन किए, उनके साथ साथ उनकी माँ, हमारी माँ मरियम भी उनका पालन कैसे की, तो हम उनको हम देख रहे हैं, केवल हम बोल नहीं रहे। इसलिए मैं प्रारंभ से ही कहते आ रहा हूँ, हमें इन रहस्यों को ध्यान में रखकर, हमें थोड़ी देर मौन रखकर उन पर मनन करना भी अनिवार्य है। तो उसके द्वारा हम देख रहे हैं कि प्रभु येसु इन सद्गुणों को, इन शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में स्वयं जिए, उदाहरण हम वहां देखते हैं। तो हम उसके द्वारा बार 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 इसे देखने और सुनने के कारण वो हमारे जीवन में धीरे धीरे एक अभिन्न अंग बनते जाता है। जैसे हम बच्चे, हम कैसे सीखे, हम अपने बड़ों को देखे, छोटे छोटे बच्चों को देखे, वे चलना बड़े लोगों को चलते हुए देखकर चलते हैं, बोलना उनकी सुनकर वे बोलना सीखते हैं, हर चीज बच्चे कॉपी करते हैं, देखकर सीखते हैं। उसी प्रकार हम प्रभु येसु के जीवन को, मां मरियम के जीवन को, हम जब इन रहस्यों को मनन करते हुए उनको देख रहे हैं ऐसे जीते हुए, तो हम भी उनका पालन करने में पवित्र रोजरी बिंदी हमारी मदद करती है। पांचवा है, ये हमें प्रभु येसु के प्रेम से प्रज्वलित कर देता है, भर देता है। क्योंकि हम कुछ दिन पहले भी मनन किए कैसे, ये एक स्मृति है, ईश्वरीय प्रेम की स्मृति है। हम वहां इन रहस्यों पर मनन चिंतन करते हुए हम देख रहे हैं कि येसु मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं उनके लिए कितना विशेष हूं। तो ये प्रेम मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में भरता जाता है। छठवां है, ये हमें ईश्वरीय कृपादानों से भर देती है। क्योंकि जैसे हम पिछले बिंदु में मनन किए और उसके पहले से भी जो मनन करते आ रहे हैं आज भी, इसमें हम देख रहे हैं कि प्रभु येसु के जीवन में हम उसमें प्रवेश कर हम उन रहस्यों में जी रहे हैं, तो उन घटनाओं के द्वारा जो कृपादान ईश्वर प्रभु येसु हमारे लिए प्राप्त किए हैं उनका एक अनुभव और थोड़ी मात्रा में वो कृपादान हमें यहाँ भी मिलती है। सातवां है, ईश्वर के प्रति और हमारे भाई बहनों के प्रति जो कर्ज, उनके लिए हमें जो देने की जो कर्ज है वो हमें पवित्र रोजरी बिंदी से हमें मिलता है। हम जानते हैं हम कितना पाप करते हैं, हम कितना दूसरों को धोखा देते हैं, दुख देते हैं या पाप का कारण बनते हैं, इन ये सब कर्ज है हमारा। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम किसके पास जाकर मांगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है। तो वो सब कृपाएं इन कर्जों को चुकाने के लिए हमें ईश्वर पवित्र रोजरी बिंदी द्वारा देते हैं। अब हम जो पहला बिंदु था, हमें प्रभु येसु के बारे में परिपूर्ण जानकारी धीरे धीरे पवित्र रोजरी बिंदी हमें देती है। संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 3 में प्रभु येसु कहते हैं, अनंत जीवन प्रभु येसु को जानना और पिता ईश्वर को जानना, वही अनंत जीवन।
ये जानना वास्तव में एक जानकारी लेना केवल नहीं है, कुछ पढ़कर इनकी माँ कौन थी, इनके पालक पिता कौन थे, ये कब जन्मे थे, ये कहां से आए, ये केवल नहीं, ये सब हम दूसरे महान हीरो लोगों के बारे में भी, उनके बारे में भी हम पुस्तकों में पढ़ते हैं, मूवीज में देखते हैं, सीखते हैं, ये उस प्रकार की जानकारी नहीं। यीशु को जानना मतलब एक घनिष्ठ संबंध में प्रवेश करना, और ये केवल एक बुद्धि से जुड़ी एक जानकारी नहीं है, ये पूरे व्यक्ति से जुड़ी एक जानकारी। इसलिए पवित्र बाइबल के अनुसार किसी को जानना मतलब उनके साथ एक होना होता है। अब पुराने विधान में जो शारीरिक संबंध के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, आप जाकर देखिएगा, उसमें बताया जाता है कि वो उसको जाना, मतलब वो शारीरिक संबंध, तो यहां उसके लिए नहीं है, मतलब यहां एक घनिष्ठता है, वो जो अटूट संबंध है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हम पवित्र रोजरी बिंदी के रहस्यों पर मां मरियम के साथ मिलकर जब हम मनन करते हैं, हम प्रभु येसु के जीवन में गहराई से प्रवेश करते हैं, और हम जान सकते हैं कि प्रभु येसु को जानने से बढ़कर ज्यादा एक आनंद हमें नहीं मिल सकता। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं, प्रभु येसु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, उसके लिए मुझे कुछ भी त्यागना पड़े, उसके लिए मैं खुशी खुशी मैं इनको दे देता हूं। तो जब हम पवित्र रोजरी बिंदी सही तरीके से प्रेम से भक्ति भावना से हम करते हैं, तो हम धीरे 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 प्रभु येसु के जीवन में गहराई से प्रवेश करके उनको पूर्ण रूप से जानने लगते हैं, और इसका फल और क्या होगा, प्रभु येसु को जानने के द्वारा हम अपने आप को जानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो। हम एक पेड़ को जाने बिना उसकी डाली को नहीं जान पाए, डाली की पहचान पेड़ से होती है। तो हमें भी अपने आप को जानने के लिए हमें सबसे प्रथम प्रभु येसु को जानना अनिवार्य है। इसलिए हम पवित्र रोजरी बिंदी जब हम करते हैं, हमें इन कृपादानों के साथ साथ, हम पहले भी बहुत सारे देखे हैं, ये विशेष रूप से हमें दी जाती है। इसलिए हम भक्ति भावना से निरंतर लगातार प्रेम पूर्वक हम ये पवित्र रोजरी बिंदी करते रहे अपने जीवन में, और इन कृपादानों को हम पाकर वास्तविक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने में ईश्वर हमारी सहायता करे। विशेष आशीष के लिए सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। शरण